लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, जनसभाओं का दौर जारी है, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर तंज भी कसे जा रहे हैं। इन जनसभाओं में कभी कभी मर्यादाओं को भी तार तार होते हमने देखा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिहार में। बिहार के जमुई में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान जब वे मंच से बोल रहे थे तभी आरजेडी का कार्यकर्ता एलजेपी नेता चिराग पासवान की मां को भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू करता है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि उस मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे, उनके सामने जिस तरह मेरे परिवार को भद्दी गालियां दी गई, मेरी माँ और मेरी बहन के बारे में टिप्पणी की गई, ये काफी दुखद है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे सामने तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वही मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। इसका कोई जानकारी नहीं है, आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें, तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहां नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है पतंगर इसका नाम बनाया गया तो ज्यादा अच्छा। चिराग पासवान के अलावा इस पूरे मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और उनके परिवार को गाली देना काफी पीड़ादायक है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात अगर इस पूरे मामले की करें तो जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए माइक पर हैं। उनके बगल में जमुई की राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी है। मंच के ठीक सामने आरजेडी की महिला प्रत्याशी के आगे चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही है, एक बार नहीं बार बार। अब इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।